नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे BSTC परीक्षा 2019 फाइनल एंसवर की जारी उत्कर्ष क्लासेज हल प्रश्न पत्र 100% सही उत्तर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, अगर कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई नई वैकेंसी का विज्ञापन आता है, राज्य सरकार या भारत सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आती है, तो सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल के ऊपर दी जाती है। तो दोस्तों अभी तक भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर हम देखने वाले हैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों से संबंधित। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि शून्य है तो शून्य एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन था 2, 8, 18, 32, 50 नेक्स्ट संख्या ज्ञात करनी थी तो इसकी नेक्स्ट संख्या थी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन था अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा तो इसका सही उत्तर था पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 सही 1/2 का मान होगा तो इसका मान होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन की भुजा 9 है तो घन का आयतन क्या होगा तो इसका सही उत्तर था 729। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1988 का पहला दिन बुधवार था, सचिन का जन्म 25 जून को है तो 1938 में उसका जन्मदिन किस दिन पड़ेगा तो इसका सही उत्तर था बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फल केला और स्तनधारी तो इसका सही उत्तर था पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10, 11, 9, 12, 8, 13 तो इसके अंदर नेक्स्ट संख्या ज्ञात करनी थी तो इसका सही उत्तर था 7। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्वेश्चन जो BSTC परीक्षा 2019 के अंदर पूछे गए थे। दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।